नमस्कार साथियों साथियों, आज हम आपको बताएंगे परीक्षा की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं उनके उत्तीर्ण होने के विषय में कि परीक्षा में किस प्रकार तैयारी करें कि आप अपनी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। परीक्षा स्कूल की हो, कॉलेज की हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी की हो। तो साथियों, आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। वो उपाय एक महामंत्र के रूप में है। आप परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं और आप में खूब मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी एक भावना या एक डर सा बना रहता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा कि नहीं, यदि ऐसा जो है आपको एक भय बना रहता है, डर सा लगा रहता है कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा कि नहीं, तो यह भय, शंका और डर आपके मन मस्तिष्क से निकल जाए, इसके लिए जो है आज एक महामंत्र बताने जा रहा हूँ जो तुलसीदास द्वारा रचित मानस यानी कि रामचरित मानस से है, चौपाई है। इस चौपाई को मंत्र के रूप में भी लोग बोलते हैं और यह सिद्ध चौपाई है जिसके द्वारा बोलने पर, जिसे बोलने पर आप जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो साथियों, वो महामंत्र, वो महाचौपाई जो है आप लिख लें और जो है उसे कम से कम जो है 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जो भी आपकी इच्छा हो उतने बार बोलें। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो है कामयाबी मिलेगी। आप परीक्षा जो भी हो, आपकी परीक्षा जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आप उत्तीर्ण होंगे। तो वो मंत्र मानस का है। मोर सुधारहुँ सो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। साथियों, ये मानस की चौपाई स्वयं में महामंत्र है। इसका 11 बार आप रोज जाप करें, परीक्षा में जाते समय जाप करें, निश्चित रूप से जो है आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, आप उत्तीर्ण होंगे। और जो है मन में यदि अनुत्तीर्ण का भय है तो वो भय भी आपके मन से निकल जाएगा। तो साथियों, इस मंत्र को 11 बार रोज जपें परीक्षा की तैयारी करते समय और परीक्षा में जाते समय। मंत्र है, चौपाई है, मोर सुधारहुँ सो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसी ही तमाम जानकारी आपको समय समय पर हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। हाँ, आप चाहते हैं कि लोगों को भी इसका लाभ मिले तो इसके लिए हमें प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। धन्यवाद।